हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतिमा और आज मैं आपको खीर बना के दिखाऊंगी। मैं अपने स्टाइल में खीर बनाऊंगी, तो चलिए आज आपको मैं खीर बना के दिखाती हूँ। तो 1 लीटर दूध मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ये उबल गया है तो मैंने बंद कर रखा है। तो चलो चलिए मैं फिर से दोबारा से इसको उबलने के लिए गैस ऑन कर देती हूँ और बाकी सारा जो भी खीर में मैं डाल रही हूँ तो वो सारा चीज़ मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैंने बादाम 10 से 12 बादाम ले रखे थे जो मैंने कट कर रखा है। 8 से 10 काजू ले रखा था, उसको भी मैंने कट कर रखा है। और ये मेरा ये है घिया कस किया हुआ नारियल है, ये नारियल ले रखा है। और 3 से 4 इलायची मैंने कूट रखा है। और एक छोटा गिलास मैंने चावल ले रखा है और उसको मैंने साफ़ करके अच्छे से धोकर यहाँ रखी हूँ। तो दूध उबलते ही मैं सारा चीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूध उबलने के लिए स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही उबलेगा तो इस पे मैं बाकी के काम करूँगी खीर बनाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दूध उबलना स्टार्ट हो गया है, तो इसका सारा चीज़ मैं अब डालना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं इलायची डाल दे रही हूँ और फिर उसके बाद मैं नारियल भी डाल रही हूँ। इस स्टेज पे चलाते रहे हैं, रहिए ना तो दूध अंदर से चिपक जाएंगे। और काजू भी डाल दे रहे हैं और साथ में बादाम भी डाल दे रहे हैं। अभी पकना स्टार्ट हो रहा है तो साथ में हम चावल भी डाल देंगे ताकि मेरा चावल अच्छे से पक जाए साथ साथ। तो सारा चीज़ मैंने डाल दिया है और ये पकने स्टार्ट हो रहा है। देखिए खीर उबलना स्टार्ट हो गया है। आप ये इसको ढक के और पकाएं और इसके 2 से 3 मिनट में आप इसको बार बार चलाते रहें ताकि चावल अच्छे से पकें। और जब पूरा चावल अच्छे तरीके से पक जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि खीर हमारा आधी पक चुकी है। देखिए दिखाते हैं हम आपको, ऐसे मैसेज आ रहा है आधा पक चुका है खीर। अभी आधा जब पक जाएगा तो मैं दिखाऊंगी कैसा बनता है। देखिए मेरा चावल और खीर मतलब अच्छे से पकने वाले हैं। चावल पक ही चुके हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी है। जैसे कि अब मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत गर्म है। पूरा मैसाज आ रहा है चावल, अभी कम से कम 5 से 7 मिनट पकेंगे तो पूरा रेडी हो जाएगा। तो इस अब मैं साथ में चीनी भी डाल दे रही हूँ कि साथ साथ 5-10 मिनट पक जाए साथ में अच्छे से। तो पक जाने के बाद फिर आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए अब मेरा खीर रेडी हो चुका है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना।